हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं वीके शर्मा, गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। इसके बारे में देखिए, क्यों मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? रक्त की ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विज्ञान कहलाता है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 16 से 60 साल के बीच हो, जो 45 किलोग्राम से अधिक वजन का हो, जिसे जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी न हुई हो, वह रक्तदान कर सकता है। तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। जितने भी डे के क्वेश्चन हैं आप उनको डेली रिवाइज करते चलिए, ताकि अच्छे से वो आपके याद हो जाएं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। इसके साथ ही मैंने रिलेट किया था अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इसके साथ ही मैंने इस कनेक्ट किया था कि 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना गठन दिवस, तेलंगाना राज्य दिवस मनाया जाता है 2 जून। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसके साथ ही मैंने आपको 4 जून को बताया था मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद मैंने आपको बताया था 7 जून को मैंने आपको बताया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसके बाद 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे, विश्व महासागर दिवस। और अब ये बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम स्टार्ट किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? हरे रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है? तो ये लगाइए कर्नाटक सरकार ने 5 साल तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है, क्योंकि फ़ोन से बच्चों की आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को देखना बंद हो गया है। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है बच्चों के लिए। इस प्रकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई हैं। जब बात कर्नाटक की आई तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटक के गवर्नर हैं, सॉरी कर्नाटक के CM हैं वजू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तल महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? संजीता चानू। ये आरोप किसने लगाए हैं? IWF अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तल महासंघ ने। जो संजीता चानू हैं, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है और अब अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तल महासंघ इनसे माफ़ी मांगेगा और इनको कुछ राशि भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए हैं? अनिल वलूरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल की बात करें तो आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारतीय शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी? यह ऑस्ट्रेलिया सरकार है जो उनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी। जब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात आए तो कैनबरा, और अगर पीएम की बात आए तो स्टॉक मॉरिसन। तो दोस्तों, गुरुकुल कंपटीशन क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।